जी बताएं। मैं नितिन चौरसिया, मैं पापा मिस्टर प्रेमलाल चौरसिया, जिनका फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज 25 मार्च को कंप्लीट हुआ था और उनका कोविड की वजह से ही 15 अप्रैल को देहांत हो गया था, बट अभी 10 तारीख को मेरे पास मैसेज आया कि उनका सेकेंड डोज कम्प्लीटेड हो गया है, बट मैं उसमें मेरे पास सर्टिफिकेट और मैसेज दोनों मेरे पास आए हुए और मैं अचरज में हूँ कि ये उनके देहांत के बाद ये सेकेंड डोज कैसे कम्प्लीट हो गया है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मतलब ये सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है शासन की तरफ से कि ये टारगेट जो मिले हैं कंप्लीट करने के लिए वो सिर्फ पूरे कर रहे हैं कि भलाई के लिए भी कुछ काम करेंगे। जी बताएं। मैं नितिन चौरसिया, मैं पापा मिस्टर प्रेमलाल चौरसिया, जिनका फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज 25 मार्च को कंप्लीट हुआ था और उनका कोविड की वजह से ही 15 अप्रैल को देहांत हो गया था, बट अभी 10 तारीख को मेरे पास मैसेज आया कि उनका सेकेंड डोज कम्प्लीटेड हो गया है, बट मैं उसमें मेरे पास सर्टिफिकेट और मैसेज दोनों मेरे पास आए हुए और मैं अचरज में हूँ कि ये उनके देहांत के बाद ये सेकेंड डोज कैसे कंप्लीट हो गया है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मतलब ये सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है शासन की तरफ से कि ये टारगेट जो मिले हैं कंप्लीट करने के लिए वो सिर्फ पूरे कर रहे हैं कि भलाई के लिए भी कुछ काम करेंगे। जी बताएं। मैं नितिन चौरसिया, मैं पापा मिस्टर प्रेमलाल चौरसिया, जिनका फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज 25 मार्च को कम्प्लीट हुआ था और उनका कोविड की वजह से ही 15 अप्रैल को देहांत हो गया था, बट अभी 10 तारीख को मेरे पास मैसेज आया कि उनका सेकेंड। मैं रूपेश पटेल, मुझे कोविशील्ड 14 सितंबर को लगी थी, मेरे बिना सेकंड डोज लगी ही मुझे सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है, मुझे वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे हमारे एरिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है और उनके भी सर्टिफिकेट आ गया है कि उनको वैक्सीन लग चुकी है। कितने लोग तो ऐसे जिनको फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है, उसके बाद भी उन्हें मैसेज प्राप्त हो चुका है कि उनको वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे बहुत से लोग हैं, मुझे तो चिंता सता रही है कि चल क्या रहा है हमारे यहाँ, बिना वैक्सीन लगे ही लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन लग चुकी है। अब हम लगवाने जाएंगे तो हमें क्या डिसीजन मिलेगा हमें तो ये भी नहीं पता है। हम तो इस चिंता में कि हमें तो वैक्सीन लगी नहीं है, उसके बाद भी हमें बोल दिया गया कि वैक्सीन लग चुकी है और हमने तो कंप्लेन भी डाली CM हेल्पलाइन में, उसके बाद भी हमें आज तक वहाँ पर रिप्लाई नहीं मिला कि आपको हो क्या रहा है। उन्होंने फ़ोन ही कट दिया बिना बात सुने ही। जैसे हमने बोला कि हमने वैक्सीन हमें सर में वैक्सीन नहीं लगी है हमारे एरिया में, तो उन्होंने बिना बात सुने ही फ़ोन कट कर दिया और दोबारा फ़ोन लगाया नहीं। फिर सीट सेकेंड डोज नहीं लगी है, उसका ही मैसेज आ चुका है, सर्टिफिकेट भी नहीं मिल गया है। तो क्या लगता है आपको, आप जब आप सेकेंड डोज लगवाने जाएंगे आपको लग जाएगी? वही चिंता सता रही है। सीट सेकेंड डोज नहीं लगी है, उसका ही मैसेज आ चुका है, सर्टिफिकेट भी नहीं मिल गया है। तो क्या लगता है आपको, आप जब आप सेकेंड डोज लगवाने जाएंगे आपको लग जाएगी? वही चिंता सता रही है। सीट सेकेंड डोज नहीं लगी है, उसका ही मैसेज आ चुका है, सर्टिफिकेट भी नहीं मिल गया है। तो क्या लगता है आपको, आप जब आप सेकेंड डोज लगवाने जाएंगे आपको लग जाएगी? वही चिंता सता रही है। मेरा नाम प्रद्युमन कुमार यादव है सर, मैं अभी फर्स्ट जुलाई को लगवाया था सर, उसके बाद मेरे पास सेकेंड डोज का कोई मैसेज नहीं आया कि आपका सेकेंड डोज का डेट आ गया है। उसके बाद सर फिर मेरे पास अभी कुछ दिन पहले 11 नवंबर को मैसेज आया सर कि आपका सेकेंड डोज कंप्लीट हो चुका है और मेरे को सेकेंड डोज अभी नहीं लगा। जैसे आप देख रहे हैं, आप लोग के सामने भी कॉल आया मुझे कि आप अभी अपना डोज लगवा सकते हैं सेकेंड डोज, और मैसेज मैंने उनसे पूछा कि मेरा सर्टिफिकेट भी आ चुका है सर, तो बोले कि आप जाके वहाँ पर बात करके लगवा सकते हैं सेकेंड डोज, आप मेरी बात करा दीजिएगा वहाँ पे आप लगवा सकते हैं सेकेंड डोज। और सर मेरे साथ कई मेरे ऐसे दोस्त लोग भी हैं जिनके साथ ऐसे ही हुआ है, उनको मैसेज आया है बस, उनको सेकेंड डोज किसी को नहीं लगा है। काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, अब उनका मैसेज आ रहा है उनको सेकेंड डोज लग चुका है सर। इसके लिए हम लोग काफ़ी चिंताजनक हैं सर। जो है कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें मृतकों को वैक्सीन लगाई गई है और कई ऐसे लोग हैं जिनको दूसरा डोज नहीं लगा बावजूद इसके उनके पास मैसेज आ रहा, उनको प्रमाण पत्र मिल गया, इससे मैं आपका कहता हूँ। हाँ, एक दो प्रकरण ऐसे हुए हैं वो मेरे संज्ञान में आए हैं, कल या परसों का ही प्रकरण है ये, और उसमें एक्चुअली में पोर्टल का इशू हो सकता है, किसी का मोबाइल नंबर वगैरह गलती से उसमें फीड हो गया हो, तो ये ह्यूमन एरर हो सकता है और वो मैंने संज्ञान में लिया है। पता भी हमने करवा रहे हैं किस सेंटर से किस आधार पर हुआ है, तो उसकी हम आगे से अच्छे से निगरानी करेंगे, दोबारा से और ट्रेनिंग वगैरह दे करके उसको ठीक करेंगे। सर एक तो समझ में आते हैं, करीब 6-7 लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि आंकड़ा बढ़ाने के खिलाफ में ये सवाल? नहीं नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है, उसमें क्या बात है, कंटिन्यूस वैक्सीनेशन चल रहा है किसी, अब इस वैक्सीनेशन महाअभियान में सैकड़ों लोग काम करते हैं,
उन सैकड़े लोगों में एक आध आदमी कभी ऐसा हो सकता है जो बाई मिस्टेक हो सकता है या जो भी टेक्निकल इशू कोई रहा हो जिसके कारण ऐसा हुआ है, वो संज्ञान में उसको ठीक कर लिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो उसमें एक मेथड भी है जो मर गया है, एक ऐसा भी है जिसको पहला डोज भी नहीं लगा, दूसरा डोज भी लगा, इसके बाद भी वो तो एक ही बात है ना, वो कोई भी हो सकता है, टेक्निकल इशू में आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, वो कोई विशेष बात नहीं है। सर लगभग दोनों डोज कितने लोगों में कम्प्लीट हो गई है? अभी हमारे जिले का आंकड़ा 50% से ऊपर पहुँच गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह में हम लगभग 60% के अराउंड हम लोग पहुँच जाएँ। और सर पहली डोज कितने लोगों को लगी है? पहली डोज हमारे 95% से ज़्यादा लोगों को लगे, 96% लोगों को हमारा लग चुका है, लगभग 100% लोगों को लग चुका है। इक्का दुक्का लोग कभी बाहर से आ जाते हैं जो बाहर चले गए, या बाहर के लोग इधर आ जाते हैं यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो भी सबको काउंट तो किया करना ही पड़ता है, पर फर्स्ट डोज हमारा 100% हो चुका है।